तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। मैं नहीं बताऊंगा। आज के दौर की अच्छी और बुरी बात यह कि हर बंदा अपने अंदर एक सेलिब्रिटी बना हुआ है। इन्हें लगता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं तो करीना वायरस भी मुझे लगने से पहले मेरा बायोडाटा पूछेगा। ये खुशफहमी इन्हें टिकटॉक इंस्टॉल करने के बाद से शुरू हो जाती है। कंटेंट के चक्कर में कंट वाली फीलिंग देने वालों की ही बात करेंगे हम। ऐसे लोगों को फूफी के ईद पे घर आ जाने पे इतना अफसोस नहीं होगा जितना टिकटॉक के बैन होने पे होना है। उड़ती उड़ती खबर आई है कि टिकटॉक बनाने के बाद मार्केट में ब्रेजर्स की कमी हो गई है। टिकटॉक की यक्कियां भी नापेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे पैन यक्की पे पैन यक्की आ रही है और हमारी गवर्नमेंट क्या है, पबजी बैन करने लगी हुई है। 2 GB की पबजी बैन के लिए अदालतें चल पड़ी हैं और इधर 70 MB के टिकटॉक के लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। इमू मेरी जान, बारिश में वोट देने आया था यार आपको, प्यार किया है यार हमने। देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। खैर पबजी में बाद में आते हैं, पहले टिकटॉक की अक्कियां नापते हैं और फिर तुम लोग मुझे खुद बताना कि पबजी बैन होनी चाहिए या टिकटॉक। कुछ भी मिली है पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार एलेक्स भट्टी से, जो आजकल पाकिस्तानी टिकटॉक के ट्रेंडिंग बॉय हैं। बॉय नहीं है? दिमाग तो मेरा ये सोच के खराब हो रहा है कि ये बॉयज टॉयलेट जाता होगा या गर्ल्स टॉयलेट। उसको छोड़ो, मुझे तो अभी इसकी कैटेगरी समझ नहीं आ रही। टिकटॉकर्स का एम होता है कि वो एक्टर बन पाएंगे, एक्ट्रेसेस बन पाएंगी, मॉडल बन पाएंगे, स्टार बन पाएंगे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ब्रेजर्स इंडस्ट्री में चीखे मारने की जॉब मिलती है और वहां पे भी इनकी मजीद ख्वाहिशात आ जाती हैं जो ऑफ कैमरा पूरी की जाती है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। थोड़ी मैंने इनके बारे में रिसर्च की तो पता लगा भाई साहब पंजाब कॉलेज से हैं, जहां पहले ही कोई बच्ची बुच्ची का सीन नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ हालत यही होनी थी। पंजाब कॉलेज आज से पहले बच्चियों की वजह से फेमस था, लेकिन इसके आने के बाद वहां पे बच्चियों की या पुंडरों की भी कमी हो गई है। पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यार अपने अंडरवियर की तादाद डबल कर लो, नहीं तो इन भाई साहब की कहीं बाथरूम में नियत खराब हो जाए तो कोई मसला मुसला हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ अपने फोन पे 1122 स्पीड डायल पे रखो, ये भाई साहब पब्लिक में नजर आ जाए तो कॉल करके बता देना कि भाई पोकेमोन बाहर निकला है। अब मसला ये है कि लोग इससे इंस्पायर होते हैं। मैं तो कहता हूँ इसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाए तो ये सनी लियोनी से कम चीज नहीं है। और फिर ये लोग कहते हैं हमारी रिस्पेक्ट करो, हमें इज्जत दो। मेरा लौड़ा। ऐसे लोगों का मोटो होता है टांगे उठाओ हाथ नहीं। चल मार। आई लव यू। ए, गर्लफ्रेंड है मेरी। तुझ में ऐसा क्या जो मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के तेरे पास आऊं? मेरी बातें बहुत मीठी है। हैं, मेरा तो पूरा बॉयफ्रेंड मीठा है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। ऐसी चूतिया और सस्ती लिपसिंग कॉमेडी से बेहतर है बंदा बुलबुले देख ले। लेकिन टिकटॉक की ना एक ही अच्छी बात है कि जब से टिकटॉक आया ना तो ये जितनी भी टेक्निकल डिफिकल्टीज और फॉल्टी लड़के खुल के सामने आ रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि नादरा और आधार कार्ड वाले इनको अपने आईडी कार्ड पे मेल लिखने की इजाजत कैसे दे देते हैं। यार इससे अच्छी बनना मैं रात को सोते वक्त करवट बदल के हिला लेता हूँ। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें एक वीडियो बनाने में 4-4 घंटे लग जाते हैं, इसके बिहाइंड द सीन देखना जरा। हो न जाए ये। आसपास आवाम भी सोच रही होगी ये कौन सा मरीज किस अस्पताल से भाग गया भाई, मतलब कोई बच्ची शच्ची ऐसे करे तो समझ में भी आता है यार, इधर बुजुर्ग लोग भी आए हैं आजकल टिकटॉक पे। लेकिन वो बंदा जिसके खुद के घर वाले इससे डरते हैं कि कहीं हमारा फ्रिज ना खाली कर दे, जिसको बैठने के लिए 2 कुर्सियां चाहिए होती हैं, उनका जरा टिकटॉक कॉन्टेंट देखो यार। मैं हूं मौलवी चुम्मा, आज मैं बताऊंगा आपको बच्ची फंसाने का तरीका। वो कॉपी पेंसिल ले आओ। देखिए सबसे पहले जहां भी आप बच्ची को देखें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजार, चांदगढ़ी, रक्षा, ड्राइवर, सफर में, कहीं भी, ट्रेन, जहाज में, कहीं भी आपको बच्ची नजर आए तो आप सबसे पहले उसको बोल दें बाजी। एक तरफ टिकटॉक पे सिक्सर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ डिस्को मौलवी बच्चियां फंसाने के तरीके बता रहे हैं। भाई इनको इनकी खुद की बीवी मुड़ के देख ले बड़ी बात है। ऐसे लोग बच्ची फंसाने के तरीके बता रहे होते हैं जिनकी दूसरों ने बचपन में इतनी फाड़ी होती है कि अंदर इंटो का घर बन सकते पूरा। ये पैसे आप क्या कह रहे हैं? अच्छा हम वापस आ गए, मैं पबजी खेल रहा था, आई थॉट मैं 2-3 पहले फतह कर लूं, आई एम सॉरी। जितनी खेली थी अभी ही आपने खेली, क्योंकि आप आगे लगने वाली है पबजी पे पाबंदी। जिन लोगों को नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट जो है पबजी बैन करने लगी हुई है, तो उसमें मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा। किस पुतिये का आइडिया है कि हमारे बच्चों में एग्रेशन आ गया है तो पबजी बैन कर देनी चाहिए? एक्चुअली इसका जो फीचर्स हैं, इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं, वो इस नेचर के हैं कि बच्चे खुद ब खुद इस गेम की तरफ इतना माइल हो जाते हैं।
यही से तुम लोग इनकी गेमिंग नॉलेज का अंदाजा लगा सकते हो। ग्राफिक्स ऐसे हैं कि बच्चे इसकी तरह मयाल होते हैं। पैंट डोरा द एक्सप्लोरर के ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स है पबजी मोबाइल से। इन्होंने बैटलफील्ड और रेड डेड जैसी गेम्स देखी है नहीं, और पबजी मोबाइल के ग्राफिक्स अच्छे हो गए। बच्चे मयाल हो रहे हैं। पुत्र कभी वॉर जोन खेल के देखो, पता लगे ग्राफिक्स होते क्या है भाई। बाप बच्चे को मारता हो, स्कूल में टीचर डंडे मारता हो, सोसाइटी के चुतिया पे अलहदा, बाहर दोस्त उसको जलील करते हो, बस बच्चा पैदा करके फेंक दो, ये चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन एक मोबाइल गेम जरूर करती है। इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर, अपने सोशल रिलेशन पर, अपने वालदैन के साथ इंटरेक्शन, उनके साथ ताल्लुक बरकरार नहीं रख पाते। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? मैंने कुछ पूछा? I don't like PUBG. मुझे लगता है कि इस गेम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। स्लो पेस्ड गेम है, लैग किस्म के मैकेनिक्स हैं। पूरा सीजन वेट करो कि भाई कुछ नया आएगा, और जब सीजन आता है नया, तो आता क्या है भाई, पावर रेंजर्स की स्किन निकाल के लॉलीपॉप मुंह में दे देते हैं कि भाई ये लो हमारा नया सीजन। जबकि आप बाकी गेम्स देखो, फोर्टनाइट वगैरह, उसमें जो अपडेट्स आते हैं भाई, माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाता है। लेकिन एक चीज है, पबजी मोबाइल की वजह से जितने यंग बच्चों का करियर बने, यंग स्ट्रीमर्स का, प्रोफेशनल कंपेटिटिव प्लेयर्स का, इनका पूरा करियर ही एक गेम पे बेस करता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यही टीनएजर्स किसी हार्ड वर्किंग 4 GPA टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाले से ज्यादा कमा रहे हैं, और उनसे ज्यादा इज्जत भी है। और मैंने भी पैसे कमाए हैं भाई पबजी से। खुद गवर्नमेंट कहती है बाहर से डॉलर लेके आओ, अब जब डॉलर लेके आ रहे हैं तो पबजी बैन कर दो। वाह भाई, टिकटॉक पे वापस आओ यार। पैन ओ तेरा सिर्फ दिमाग खराब ओ बेबे खराब। ये एक और बार देखते हैं। ओ तेरा सिर्फ दिमाग खराब ओ बेबे सस्ते नशे के साइड इफेक्ट पे कभी किसी ने वीडियो बनानी हो ना, तो यार ये वीडियो बीच में लाजमी फिट करना। बेटा जी बंदी खराब हो तो कोई अमीर बच्चा फंसाओ, खिदमतें करवाओ, आईफोन लो, लूटो, उठवाओ, काटो और मौज लाओ। ऐसी वीडियो बनाने के बाद तुम लोगों को धूम 3 का आमिर खान क्या फूफी का शीदा खोतियां वाला भी मुंह ना लगाए। ऐसी बंदियां होती हैं जिनको ये नहीं पता होता कि इनकी बर्थडे कब है, लेकिन बर्थडे पे इनको आईफोन ही चाहिए। मुंह इनका सेकंड हैंड चार्जर की पिन वाला भी ना हो, लेकिन सैटरडे को इनको डेरी मिल्क चाहिए, हर संडे इनको पार्लर जाने मेहंदी लगवाने। इनसे बाप का काम पूछो तो कहती है कि हमारे अब्बे का मसाज सेंटर है, जबकि असलियत में पेओ इनका मालशी होते हैं। तेरा सब दिमाग खराब है। अच्छा बंदी तेरी खराब होगी, मैं बंदी बहुत अच्छी है। I'm so serious. चलो इसकी मुझे एक बात अच्छी लगी है कि इसने ना वो वाली बकचोदी नहीं लगाई। अरे अरे वो हर बार हगना जरूरी नहीं होता। अरिका मान जाओ ना प्लीज। अरिका तुमने मुझे फोन ही क्यों किया? मैं जिनत मिर्जा के साथ वीडियो ही क्यों बना? मैं जिनत मिर्जा के साथ नहीं वीडियो बनाऊंगा, प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। मुझसे बात तो करो एक दफा अरिका। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऐसे लोगों को किसी बच्ची का रिप्लाई आ जाए, ऐसे ही अपने ही घर वालों के सामने चौड़े हो जाते हैं। और बच्ची के सामने इन्हें अपना अब्बू चेंज करने में मिनट नहीं लगता। एक दिन नवाज शरीफ इनका अब्बू होता है, एक दिन मलिक रियाज, एक दिन धोनी, एक दिन विराट कोहली, और पांचवें दिन ट्रंप। दोस्तों से गाड़ी मांग के लाते हैं कि बच्ची को घुमाने लेके जाना है, जबकि घर में इनकी सिलेंसर के बगैर वाली रोडवेज खड़ी होती है, और उसमें भी मोहल्ले वाला दूध बेचने निकला होता है सुबह। माँ बाप को लग रहा होता है बच्चा अंदर कमरे में बैठ के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहा होता है, लेकिन अंदर बैठ के बच्चियों से डील कर रहा होता है कि अपने दोनों भाइयों को कहो कि मेरी 1 घंटा मार लेना, बदले में तुम्हें मेरी वीडियो में आने दें। दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपका हो सकता है, तलाश करें और मुझे जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए ताकि आप भी जीत पाए। भाई साहब के खुद से ज्यादा उनके आईफोन नजर आ रहे हैं और कहते हैं तलाश करें। जिन लोगों को नहीं पता, ये भाई साहब आईफोन गिव अवे करने के साथ साथ उसे खाते भी हैं। मैं तुम लोगों को बता दूं कि ज्यादातर टिकटॉक आईफोन गिव अवे फेक होते हैं, ये बस इनकी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लेने की निंजा टेक्निक होती है। मिलना मुलना कुछ नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि इस गुब्बारे का आईफोन गिव अवे असली है या नकली, लेकिन जिस तरह भाई साहब ने कमेंट डिसेबल किए हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूं। अबे वो लड़का है, उसकी नोनो है भाई, और अगला बंदा उसको फिंगरिंग कर रहा है। फिंगरिंग करने के बाद चाट भी रहे। काका मैं बंदा ही खराब है। सिर्फ बंदा नहीं पुत्र, तेरी नियत भी खराब है। कभी अस्पताल जाओ तो अपने अजो तनाजल का इलाज करवा लीजिए। टेक्निकल डिफिकल्टी लग रही है मुझे। ये अपने आप को लाडला समझते हैं क्योंकि बचपन से लेके अब तक इनको पूरे मोहल्ले का प्यार मिला होता है। लोगों की गोदों में इतना बैठ चुके होते हैं कि अब इन्हें फिंगर टिप्स पे याद हो गए कि किसका कितने इंच का है। एक्टिंग की गांड मारना कोई इनसे सीखे। ये वो स्टार है जिनको अपने आप को साबित करने के लिए भी प्रूफ देना पड़ता है।
एंड में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि यार अगर कुछ बैन करना है तो वो चीज बैन करो ना जो लोगों को चुतिया बनने पे मजबूर कर रही है। नोनो वाले बच्चे को फिंगरिंग करवा दी पैन, ना कि वो गेम जिसकी वजह से कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो और सब्सक्राइब करो यार, 2 मिलियन करवाओ। गर्मी जर गई पार्ट 5 निकालना है भाई। अब अगर इस वीडियो पे 2 लाख लाइक्स हो गए ना, अगर हो गए तो मैं ये वाली बकचोदी डालूंगा, वो भी टिकटॉक पे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और वैसे भी अपनी डक्की भाई टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले के लिए नीचे मजा है ऊपर भी मजा है। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी